जाती है। एक माँ के दिल के साथ क्या होता है, मैं तो गई भी नहीं, मैंने बच्चा भी नहीं देखा अपना, अभी तक नहीं देखा मैंने, मैं तो उधर भाग गई मल्ले में, मैंने अपना बच्चा भी नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा है, खून सड़क में था उसका। ये उसकी माँ है जो कल ग्रेनेड ब्लास्ट में जख्मी हुआ, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कितने बजे हुआ और कब हुआ। आप बताइए कि ये जो कल ब्लास्ट हुआ कितने बजे हुआ और आपका बच्चा जख्मी हुआ? हाँ जी सर, 8:15 बजे और मेरा बच्चा निकला बाहर दुकान पे, हम किचन में थे, कितनी देर में बच्चा मेरा जख्मी हुआ। वो गाड़ी के अंदर था उस टाइम? नहीं नहीं, बाहर था, सहन में जी, बाहर पुल के बाद था तो वो वहाँ पर जख्मी हो गया और दूसरा वाला गाड़ी में था जी सर। अब तो खौफ ही खौफ है, बाकी हम कहीं जा नहीं सकते, अब हमारा कुछ करे गवर्नमेंट, कोई चारा करे, हम आप खुद देख रहे हो हम कहाँ जाएंगे, हमको बहुत टाइम हो गया इधर, पैदा भी यहीं पर हुए, अब हम कहीं नहीं जा सकते, हम यहीं पर रहेंगे, पर हमारा कोई चारा कर दे। किसी ने भी इतने साल यहाँ पे हो गए, इतने ये इतनी मिलिटेंसी हुई, कि ये जो कल यहाँ पर ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, क्या आपको खौफ लगता है, क्या आप फील कर रहे हैं? फिर तो सर आप खुद ही सोचिए कि अगर जंगल के क्षेत्र पे भी अटैक होगा, जब जान पे बनती है तो घबराहट तो सबको होती है, जान की दिक्कत तो सबको है। तो अभी जो हालात बने हुए हैं वो तो टेंशन भरे हैं और हालात बिगड़े हुए हैं, ये तो आप खुद ही जानते हैं। तो ये कितने बजे हुआ कल शाम? कल शाम ये 8:15 के बीच में। तो कितने अभी जख्मी हुए? जख्मी एक मेरा छोटा भतीजा हुआ था कुमार, जो 19-20 साल का है, वो दुकान पे जा रहा था, कुछ लेने के लिए जा रहा था, तो जैसे ही गेट खोला वैसे ही ब्लास्ट हो गया। कुछ लोगों को ये शक हुआ कि गाड़ी का टायर फटा, एक गाड़ी भी हमारे आंगन में होती है, मेरे चाचा का लड़का चलाता है वही, तो हमको ये शक था कि उनकी गाड़ी का टायर फटा, हम तो उसी में आराम से कमरे से निकला, उतने में जब मैंने धुआं धुआं देखा तो भगदड़ मच गई, मोहल्ले वाले आके पास पड़ोसी के आगे क्या हुआ सब, कि करम कुमार जख्मी हो गया। फिर उसी टूटी फूटी गाड़ी में उनको हम हॉस्पिटल में रेफर किया, तो आधे गाड़ी के साथ चले गए, आधे घर में तड़पते रहे। कोई चारा कर दे, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमको कोई नहीं किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, हमने किसी को कुछ नहीं किया। मेरा बच्चा छोटा है, वो जख्मी हो गया, वो पड़ा है हॉस्पिटल में, ये बहुत अच्छा है। तो इससे पहले ऐसे वाका हुआ यहाँ पर? नहीं, कभी कभी नहीं सर, कभी हम अच्छी तरह से रहे, कभी नहीं किसी ने नहीं हमको तंग किया, हम अच्छे तरह से रहे, कोई बात नहीं ऐसी सर जी, सब अपने भाई जैसे हैं, कोई नहीं कम यहाँ पर आसपास पड़ोस, सब सब पूरा गांव मिलके रहते हैं, बच्चे भी बाहर सबके साथ यार दोस्ती है, सब मिलजुल के रहते हैं, खाते भी इकट्ठे हैं, सब कुछ ठीक से चल रहा था सब कुछ, उसी भरोसे तो हम आज तक कोई कुछ नहीं, खौफ नहीं था हमको, अब खौफ हो गया। कश्मीरी पंडितों की लगातार हमले के बाद अब हिंदू माइनॉरिटी को भी निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू माइनॉरिटी पर एक ग्रेनेड अटैक किया गया,
जो फैमिली पिछले 100 साल से यहाँ पर रह रही है, कश्मीर हेडलाइन इज बढ़ गया।